सिंघम अगेन पर चली सीबीएफसी की कैंची। फिल्म से हटाए गए 7 मिनट 12 सेकंड के कुल सीन्स। अजय देवगन और रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन बड़े पर्दे पर आने से पहले अग्नि परीक्षा से गुजरने में सफल रही है, लेकिन हर फिल्म पर पड़ोसियों की जबान से भी तेज चलने वाली सीबीएफसी की कैंची सिंघम पर भी चल चुकी है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कुछ बदलाव करवाए और कुछ सीन्स को कटवाया है। कौन से है ये सीन्स, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। सीबीएफसी ने करवाए बड़े बदलाव। एक रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने सिंघम 3 को यूएस सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन कुछ सख्त बदलावों के बाद। फिल्म को देख रही सेंसर बोर्ड की कमेटी ने पिक्चर में 2 जगह 23 सेकंड लंबे मैच कट सीन को जरूरत के हिसाब से बदलने को कहा है। इस सीन में भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी को सिंघम, अवनि और सिम्बा के रूप में दिखाया गया है। इसी तरह सिंघम और श्री राम के पैर छूने वाले सीन को भी बदलने को कहा गया है। इसके अलावा भी बहुत से कट्स फिल्म में लगवाए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को एक 16 सेकंड का सीन काटने को कहा है। इस सीन की बात करें तो इसमें रावण माता सीता को पकड़ रहा है, खींच रहा है और धक्का दे रहा है। 1:29 सेकंड के सीन में हनुमान जी को जलते और सिम्बा को फ्लर्ट करते दिखाया गया है। सेंसर बोर्ड ने इस सीन को भी फिल्म से डिलीट करवा दिया है। फिल्म में 4 जगह जुबैर नाम के किरदार के डायलॉग को भी बदलवाया गया है और साथ ही करीना कपूर के किरदार अवनि के कुछ सीन्स में भी बदलाव हुए हैं। इतना ही नहीं, 1:26 सेकंड का डायलॉग और सीन भी सेंसर बोर्ड ने बदलवाया है। इसके लिए कहा गया है कि भारत के पड़ोसी राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर असर डाल सकता है। साथ ही पुलिस स्टेशन में किसी का सिर काटने का सीन ब्लर कर दिया गया है। इसी सीन में से धार्मिक झंडे को बदलवाया गया है और बैकग्राउंड में चल रहे शिव स्त्रोत को डिलीट करवा दिया गया है। जुबैर का एक डायलॉग, तेरी कहानी का रावण मैं हूँ, तेरे चहीते को भेज, और सीन में झंडे का रंग भी बदलवाया गया है। फिल्म में डाला गया डिस्क्लेमर। सेंसर बोर्ड ने मेकर से पिक्चर की शुरुआत में डिस्क्लेमर लगाने को भी कहा है। इसमें लिखा होगा, ये फिल्म पूरी तरह से काल्पनिक है। फिल्म की कहानी भले ही भगवान राम से प्रेरित है, लेकिन इस फिल्म के कोई भी किरदार भगवान के रूप में ना देखे जाएं। कहानी में आज की दुनिया के लोग, समाज, उनकी संस्कृति और परंपरा दिखाई गई है। ये डिस्क्लेमर स्क्रीन पर 1:19 सेकंड के लिए दिखाया जाएगा। इसी के साथ 7 मिनट 12 सेकंड के कुल कट्स फिल्म में लगाए गए हैं। 28 अक्टूबर को सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास किया है और अब ये फिल्म 2 घंटे 24 मिनट और 12 सेकंड लंबी है। आपका क्या कहना है फिल्म में लगाए गए कट्स पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी शोबिज़।